नमस्कार, मैं उषष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। मध्य प्रदेश में सीएम का नया अंदाज, बीच सड़क पर गाड़ी से उतरे शिवराज और वर्चुअली भाषण दिया, ट्रैफिक क्लियर करने को भी कहा। बटनगर के कांग्रेस विधायक का बेटा करण मोरवाल गिरफ्तार, दुष्कर्म के मामले में 6 महीने से था फरार। आश्रम 3 पर बवाल पर क्रू मेंबर्स ने बजरंगियों को भगा दिया था, इंटेलिजेंस फेल होने से हुआ प्रकाश पर स्याही से हमला। मध्य प्रदेश में कोरोना ने फिर डराया, 24 घंटे में 27 पॉजिटिव मिले, सबसे ज्यादा इंदौर में 9, 32 दिन पहले 36 केस आए। मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीज 10,000 से पार, मंदसौर के बाद अब ग्वालियर बना नया हॉटस्पॉट, 23 जिलों में 100 या उससे ज्यादा केस। एनजीटी के आदेश पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दी रिपोर्ट, प्रदेश में नर्मदा अपने साथ रोजाना ढो रही 162.124 मिलियन लीटर सीवेज। भोपाल की 60% सड़कें अभी भी बदहाल, 20 दिन में 40% ही सुधर पाई, कई इलाकों में गड्ढे बने मुसीबत, पानी सीवेज लाइन ने भी रोका रिपेयरिंग। मास्टर प्लान 2035 के अंतर्गत ग्वालियर शहर में सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए तैयार होंगे फुटपाथ, रोड क्रॉसिंग के लिए सिग्नल पर लगेंगी रैली। होशंगाबाद में रेत फ्लाइंग स्क्वाड टीम पर हमला, 8 घंटे में 2 बार हमला करके तोड़फोड़, पथराव, 8 लोगों पर FIR। उज्जैन टू इंदौर के रेल यात्री होंगे प्रभावित, देहरादून आने जाने वाली ट्रेन आज और कल 2 दिन के लिए निरस्त। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहेंगे खबर।